समस्त प्रदेशवासियों को आने वाले त्योहारों की धनतेरस, दिवाली, विश्वकर्मा दिवस और भैया दूज पर आपको सभी को बधाई देता हूँ। विशेष तौर पर भिवानी जिले के लोगों को और सभी को धन धान्य से भरपूर हो, दिवाली मंगलमय हो। और अभी आपने देखा है 2024 का वर्ष जा रहा है और 2025 का वर्ष आने को है, तो नववर्ष की भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और 24 को देश में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई बहुमत के साथ, और अब हमारे हरियाणा के अंदर भी नायब सैनी जी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनको भी मैं समस्त प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई देने वाला हूँ। और दिवाली के दिन नायब जी बहुत से तोहफे भी हरियाणा वासियों देने जा रहे हैं। सभी हरियाणा वासियों को, सभी भिवानी वासियों को दीपों के पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आइए दीपावली के इस पर्व पर हम संकल्प लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसको अपनाते हुए स्थानीय उत्पादों को हम बढ़ावा देंगे और अपने घर में मिट्टी के दिए जलाएंगे। युवाओं से मेरा निवेदन कि इस त्योहार पर आप नशे से दूर रहें, बल्कि इस त्योहार पर ही नहीं अपने जीवन में नशे को आप दूर रखें, क्योंकि नशा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उन्हें मैं आप सभी को दीपावली के इस महापर्व पर बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी व समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु से दुआ करता हूं कि ये पर्व आपके लिए खुशहाली लेकर के आए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आज घर वापसी हुई थी 14 वर्षों के वनवास के बाद में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए आप सब लोग देश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मैं इसे पर्व पर आप सब से एक निवेदन करता हूं कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। हम सब लोग इस बात का ख्याल रखें कि पॉल्यूशन के अंदर प्रदूषण मुक्त ये दीपावली मने, इसका भी हम अपनी तरफ से प्रयास और प्रयत्न करें। हमारे भिवानी की और तमाम हरियाणा की जनता को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता तमाम, ये जो हमारा जो पर्व आ रहा है ये शांति का पर्व है और खुशी का है। सब लोग इस मौके पर खुशी मनाएं और शांति से और भाईचारे से आपस में मेलजोल रखें और किसी तरह के ये पटाखे वगैरह जो हैं ये ना छोड़ें, क्योंकि पर्यावरण हमारा पहले से ही ख़राब है और हमें सभी ने पर्यावरण का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यावरण खराब होने से हमारा जो है मौसम खराब होने से सबको दिक्कत आती है। हमारे वृद्ध जो सांस की बीमारी के मरीज हैं, दूसरे लोग हैं, ये एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है और हमें ये ध्यान रखना है। और दिवाली को, दीपावली को दीयों का त्यौहार है, वो घी के दिए जलाएँ और ये पटाखे वगैरह से परहेज करें जो।